लाला राम, लाला राम जी। कौन? अरे प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। लाला राम है? वो तो नहीं है, पिताजी घर पे नहीं है, थोड़ा काम से गए बाहर। काम से गए जी? देखो भाई, एक नया कानून निकला है। अच्छा। हाँ, तुम्हारे यहाँ गाय भैंस पोए जो भी हैं उनकी एक संख्या कागज पर लिख कर मुझे दो। अब संख्या क्या, लिख के देना क्या है? हमारे पास तो सिर्फ एक भैंस है और एक उसका बच्चा है, अब दो के लिए क्या ही लिखना? एक भैंस ही समझो, वो तो बच्चा ही है उसका। और वैसे भी एक भैंस का क्या लिख के दूं मैं आपको, और आप खुद ही नोटिस कर लो। वैसे ये कौन सा नया कानून निकल गया, पहली बार सुन रही हूँ मैं प्रधान जी। गाँव के प्रधान हम हैं कि तुम हो? नहीं, हो तो आप ही, लेकिन हमारा मतलब समझने का फर्ज बनता है कि हम भी समझें क्या कानून है, क्या क्या है। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम लाला राम की बहू हो ना जी? हाँ, तो देखो ये कानून निकला है और हम यहाँ के प्रधान हैं। हमें जो आदेश सरकार का आया है वो तुम्हें बता रहे हैं। तुम्हारे यहाँ जितने भी पोए गाय भैंस जो भी है उसकी संख्या हमें बताकर दो ताकि हम पंचायत में उसको पेश कर सकें। देखो गाय तो हमारे यहाँ है नहीं, और पोए और भैंस एक ही चीज है, तो मेरे यहाँ सिर्फ एक ही भैंस है। अब दोबारा ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब जो भी है वो हमें बता देना। बता तो दिया, और कैसे, मतलब उल्टे पैर करके लाला राम आए तो उसको हमारे पास भेज देना। अब मुझे और कोई काम है तो मुझे बता दो, क्योंकि पिताजी तो थोड़ा काम से गए, उन्हें आने में शाम हो जाएगी। शाम हो जाएगी जी? अरे भाई ऐसे कौन से काम से चले गए वो? अरे आज पैंट करने गए, वो पूरे हफ्ते का राशन भर के लाएंगे वहां से। ये लाला राम भी, अब एक काम करो जी, तुम एक कागज पर लिख कर मुझे दे देना, वो मुझे पंचायत में रजिस्टर करना है। मुझे लग रहा है आप कम सुन पाते हो। अरे तुम अपना लाला राम का नाम लिखने के बाद हमें पता कैसे चलेगा गांव में किसके यहाँ कितने पोए? तो आपको पिताजी का नाम ही पता है, तो मैं क्या करूंगी लिख के? ये आदेश हम तुम्हें प्रधान होने के नाते दे रहे हैं, तुम हमें पंचायत तक पहुंचा देना। ज्यादा बड़बड़ मत करो, और भी जगह जाना है। तो एक काम करो, आप खुद ही लिख लेना, मुझसे भी आप बड़बड़ मत करो, मैं नहीं लिखने देने की। कमाल की छोरी, प्रधान की कोई औकात ही ना है गांव में। जाको बाद में देखूंगा, पहले और लोगों को देख कर आता हूं। प्रधान जी राम राम। राम राम, राम राम। अरे भाई पूरन कहां? कहीं ना प्रधान जी, दूध बांट के आ रहे हैं। दूध बांट के? हाँ। चल अच्छा है, तू भी रास्ते में मिल ही गए हो। अजय बता कि तू इतने सालों से दूध तो बांट रहा है, मगर तो पे कितनी भैंस कितनी गाय है? क्यों क्यों भाई, इन बातों से तुम्हें का मतलब है? हम भी कितनी भैंस सही कितनी गाय सही? इन बातों से मुझे कोई मतलब ना, इन बातों से तो सरकार को मतलब है। प्रधान होते के नाते सरकार ने मुझे आदेश दिया और मैं गांव की छानबीन कर रहा हूँ, क्योंकि आज तक हमने ध्यान ही नहीं दिया अपने गांव पे। लेकिन सरकार की भी तो कुछ चाकरी करनी पड़ेगी, आखिर सरकार ने हमें प्रधान नियुक्त किया है गाँव का। तो सरकार जाको का करेगी, कितनी गाय कितनी भैंस है? सरकार जाको चूल्हे में डाले, मुझे जो कहा गया है वो मैं करके दूंगा। हम पे जितनी भी गाय सही जितनी भी भैंस सही अपनों कमा रहे खा रहे दूध बिक रहे। जो तुझसे पूछा रहा है हमारी हमारी गाय भैंसों से जल ले हो तुम, जलन पैदा हो गई। देख अगर तूने सही सही ना बताया ना तो तेरे खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ना एक नोटिस जारी कर देंगे। तेरे पास जितना ये गाय भैंस है ना ये दूध बेच रहा है ये सब बंद हो जाएगा। एक ना है ना, तो फिर दूध कहाँ का ला रहे हो? दूध यहाँ का ला रहा हूँ मैं दुकान से खरीदूँ और घर घर बांट आऊँ। दुकान से खरीदूँ घर घर बांट आऊँ? हाँ, गाय भैंस ना है मेरे पास। तेरी बात मेरे समझ में नहीं आई, दुकान से खरीदूँ घर घर बांट आऊँ? ऐसा है, दुकान पर दूध आता है। हाँ ठीक है, ठीक है। और जहाँ डोलसा में भल्ला हूँ और मैंने घर घर बांध रखे हैं, काय के घर 2 किलो काय के घर 1 किलो ऐसे। अच्छा, ये बता तू दुकान से तो लाता मगर वो दुकान वाला किससे लेता है? वो भी हमारे गांव का ही होगा। अब पानी दिए मेरे को ना मालूम वो कहां से लावे। पूरन तू इतने सालों से दूध का काम कर रहा, तुझे यही नहीं पता? ना ना ना, मो तो टाइम से मिल जावे, मैं तो बाटे आबू मोना वाला, वो कहां से लावे? आप पहचान जी आवे ना पता। तेरी बातों से और छोरी की बातों से लागे कि गांव में कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। और सुन, तूने बहुत दूध बेच लियो, अब लगे वो टैक्स। टैक्स? हाँ। भाई प्रधान जी काय को टैक्स? काय को टैक्स तो सरकार बताएगी, मेरा काम तो तुम्हें समझाना है। हाँ प्रधान जी, काय को टैक्स लगवा रहे हो? वैसे अपनी दाल रोटी चल रही है, तुम गरीब आदमी को दबाओ। अब मेरी बात सुन, तू दुकान से दूध क्या भाव ले,
और दूसरों ग्राहकों को क्या बेचे, उसमें सरकार को क्या देवे। एक किलो पे 2 रुपए कमाऊं। एक किलो पे 2 रुपए? तो 2 रुपए में 50 पैसे सरकार को दियो, 1.5 कमा, तू भी कुछ, सरकार भी कुछ और हम भी कुछ। मतलब मेहनत हम करें और सरकार को अठन्नी देवे। अगर सरकार तेरा ये धंधा बंद कर देगी ना तो तू सब भूल जाएगा चौपड़ी। अच्छा प्रधान जी, प्रधान जी कोई बात ना, देख लेंगे, अगर व्यवस्था बनेगी तो दे देंगे, अठन्नी ना 1 रुपया दे देंगे। मेरी सुन, तुम ही लोगों ने हमें प्रधान चुना है तो प्रधान कुछ देख के ही तो चुना होगा। आखिर तुम्हारे भले के लिए तो कह रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, ताकि आगे सरकार जो भी करे उसमें तुम्हें फायदा हो। हाँ प्रधान जी, प्रधान जी एक बात बताओ, तुम टैक्स देने की बात कर रही हो है? अब पूरे दिन में 50-60 रुपया तो हम कमा रहे, और भाई भी तुम टैक्स में घुसवा रहे हो। पर तुम जो बताओ, तुम कुछ तो टैक्स दे रहे हो तो तुम तो गांव के प्रधान जी हो, बासे आ रहा, बासे आ रहा, बासे पोटाली बात टोपी पहरा रही, भाई तुम तो टैक्स दो। देख, सरकार ने अभी तक कोई टैक्स लगाया ना था, और जब टैक्स देने की बारी आएगी तो हम भी देंगे, हम पीछे थोड़ी रहेंगे। क्यों ना बारी आएगी, मुखिया हो तुम गांव के, टैक्स तुम्हें दे देंगे, क्योंकि हमने मुखिया तुम बना रखे हो, मैं ना जो तुम ही हो, तुम ही दोगे टैक्स हमका उधर। अरे बुढ़वा, की यही तो बात है, ये गांव वालों को थोड़ी अकल देर से आती है, बहुत समझाना पड़ता है। सुन, मैं तुझसे बस इतना कह रहा हूँ कि टैक्स लगेगो 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 और तुझे देना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, हम पे टैक्स जब है जाओ जब दे देंगे हमें ना, हम पे, हाँ हम पे दे देंगे हम जब जब है जाओ। अच्छा तू एक काम कर सकता, हाँ देख क्या है, तू घर घर जावे दूध बांटने, तुझे समझा लीजिए तू आएगी। अरे पहले बात तो सुन भली भांति, तू हर घर में जावे, तू सबके यहाँ देख किसके यहाँ कितनी गाय हैं, कितने पोए हैं, इसकी जानकारी मुझे दे दे। कितने बालक हैं, जितना कहा गया है उतना ही काम करे। उनको भी तो टैक्स लगेगा, बालक का टैक्स उनको भी लगवाओ। बालक तुम गाय भैंसन को टैक्स लगवा सको तो बालकन को लगवा सको। देख ये सब सरकार के आदेश हैं, हमने आदेश अपने घर से ना बनाए। आज सरकार के आदेश है, तू हवेली में आई हो तो हम तुझे खर्रा दिखा देंगे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का आया है। चलो ठीक है, मैं सब लिस्ट दे दूंगा सवेरे कल। अगर कल सुबह तक तू दे देगो तेरा फायदा करा दूंगा। फायदा करा को? टैक्स में तुझे कम करवा दूंगा। कम ना, शादी करवा। तो तुझे कुछ शर्म है प्रधान से ऐसी? तुम ही तो मेन आदमी हो गांव के। मेन आदमी है तो हम शादी करवाते हैं। तुम्हारे तो हम बालक ही हैं, करवा दो। अच्छा हा? ये तो हम बाद में सोचेंगे, पहले तुझसे जो कहा गया है वो कर। चलो ठीक है, मैं गाय और भैंस की लिस्ट ला कर दूंगा सुबह। चल अब जा। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रधान जी राम राम। राम राम। और सुबह तक सारी लिस्ट दे दियो। हाँ ले लो। कैसे कैसे लोग गाँव में है समझ नहीं। राम राम। राम राम जी। राम राम। बढ़िया हो? और कैसे चुप पड़ा रही हो? तुम्हें देख के चुप हो गई मैं। चुप? तो मैं ऐसे खड़े हो गए आगे मूर्ति की तरह। मूर्ति की तरह? अब कहाँ आ रही हो तुम? घेर पे जा रही हूँ। घेर पे जा रही हो? गोबर कूड़े करने? हाँ। 2-4 दिन और कर लो। क्यों क्यों 2-4 दिन और कर लो? प्रधान जी ने टैक्स लगवा दो गाय भैंसों पे। गाय भैंसों पे टैक्स? अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में क्या भैंस है? मेरे घर में क्या भैंस है, क्या गैया है, क्या बालक है, क्या बछड़ा है, क्या? मेरे घर में एक तो गाय है और 2 भैंस है। बालक है? एक उसका बछड़ा है और 2 भैंस हो गए। 4-5 गाय भैंस है ये तो। हाँ तो इतना तो होगा ही, बच्चे ना होंगे उनके? अलाउ ना है। क्यों ना, एक भैंस पालने की अलाउ है? टैक्स लगाओ तुम। ये कौन सा नया नियम लागू हो गया? मुखिया जी है ना गांव के प्रधान जी, उनने रूल निकाल रहा नया। नया रूल निकाल? हाँ, गाय भैंसों पर पहले तो कोई रूल ना था। ना था? हाँ तो पता पड़ेगी। अच्छा हाँ, ये रूल भी देखे जाएंगे। देखे जाएंगे ना, मुझे पूरी लिस्ट बना के दू। मैं? हाँ मैं क्यों बना के दू? तुम्हारा फायदा करवा दूंगा। मैं क्या नौकरी कर रही हूँ? नौकरी ना कर रही, फायदा करवा दूंगा तुम्हारा। किस चीज का फायदा? फायदा यूँ करवा दूंगा, जहाँ तुम्हारा टैक्स में 2 रुपया जा रहा हूँ मैं 1 रुपया करवा दूंगा। अच्छा ये फायदा है? हाँ, क्यों ना? ये फायदा तुम अपना ही करा लो। एक बात बताओ मुझे, तुम भी पागल और जिसने ये नियम लागू करे वो तो खैर पागल है ही है। बेचारा किसान जैसे तैसे अपना वो क्या कहते हैं, हर साल थोड़ा बहुत नकद वो होता है, फिर तुम लोग उसे ऐसा कर देते हो।
तो मेरा घोड़ी करवाया था, प्रधान जी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? है? वो कोई वो कौन कर है? वो जज है वो? तो एक घर में अगर दो चार भैंस रंगी तो बाकी गंदगी बाहर, गोबर बाहर, सब चीज बाहर, तो गंदगी फैलती है। ये तो गंदगी कहाँ लेके जाएंगे भैया? रहेंगी तो करेंगी और नहीं रहेंगी तो नहीं करेंगी। गंदगी रखो ही मत। दूसरी बात, अगर भैंस ये नहीं पालेंगे हम तो फिर खाना कमाना कहाँ से होगा? हम ना कर रहे हैं तो तुम्हारे पास भैंस नहीं है क्या? हम तो मोल ला, मोल बेचते हैं दूध। अरे चुप रहो तुम, क्या रहे हो? देखो भैया साफ सीधी बात है, उनसे बोल देना अभी कुछ नहीं हो सकता है। जिन जिनके घर में हो वो क्या फेंक दे जाके? इतनी महंगी महंगी भैंसे आ रही है, फेंक दे, छोड़ दे उन्हें, छुट्टा छोड़ दे ऐसी फालतू में। ये बात तुम प्रधान जी से कहना, उनने जितनी कही मेरे से उतनी मैंने तुमसे कह दी। क्यों? उनकी सिफारिश लेके तो तुम ही आए हो। मैं का सिफारिश ले रहा हूँ और क्यों? खबर तो तुम ही नहीं बताई है। काजी खबर मैं तो जवाने बता रहा हूँ, आगे वो ज्यादा टैक्स ना लग जाए। किस चीज का टैक्स लगेगा? टैक्स ये ज्यादा गाय भैंस नहीं पाल सकते हो। हे भगवान, सबके सब पाल रहे हो। एक या दो बस। अच्छा, और जिन पे पहले से ही है? जिन पे पहले से ही है? पहले से ही है, वो टैक्स देंगे। अच्छा, और क्या? ठीक है, हम भी तो कर रहे हैं। हाँ, तुम तो बहुत कर रहे हो। हम तो गाय भैंस ना भेजी, हम दूध बांट रहे हैं। चलो ठीक है, बांट रहे ना बांट रहे। तो बांट रहे तो फिर क्या करूँ? क्या करूँ, उल्टी और बतला रही है। प्रधान जी ने और मुड़ कर, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, ठीक है तू? हाँ ठीक हूँ। क्या हो गया? अरे हो क्या गया, सुबह से बड़ा मूड खराब है मेरा, प्रधान जी ने और दिमाग खराब कर दिया। कैसे? सुबह सुबह घर आ गए, अब कह रहे हैं कि कितने भैंस पाए उनका टैक्स जमा करने पड़ेगा। अब बताओ, एक ही तो भैंस है और पिताजी आज सुबह से आए नहीं है। एक ही भैंस है तेरे पास? मेरे पास तो बहन एक गाय है और दो भैंस है और उनके बच्चे है। और वो कह रहे हैं, बताओ, मेहनत हम कर रहे हैं, पाल रहे हैं, हमें सब कुछ हम खिला रहे हैं, उनको किस बात का टैक्स दे? फ्री का घर बैठ पैसे दे रहे हैं। ऐसा है ना, अब सरकार से पैसा आना बंद हो गया होगा और तो उसे कुछ नहीं है तो फालतू का टैक्स लगा दिया। पैसे कमाने हैं हर तरीके से। पैसे वैसे कहीं आना बंद हो जाए या ना हो जाए, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं चलेगा। किसानों पे प्रधान मतलब मंत्री को नहीं दिख रहा कि किसानों पे बेफिजूल के रूल लगाएंगे? तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं प्रधान जी तो नहीं खाने के चक्कर में। प्रधान जी की चाल है ये, मुझे वो मिला था बुद्धा, वो बता रहा था मुझे कि टैक्स लगेगा आगे से। हाँ, बुद्धा को भी दे देना ढंग से और प्रधान जी को भी दे देना ढंग से। हम टैक्स आ जाए तो लड़ने के लिए खड़ी हो जाना। अरे तू देने का नाम मत लेना। अरे हम दे रहे हैं टैक्स, हम मुझे और बुला लेना। चूतिया ही है बिल्कुल, सबके सब पागल एक नंबर के। पता हम टैक्स क्यों देने लगे किसी को? देखो हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारे पति बाहर रहते हैं, इसका मतलब हम टैक्स वैक्स सब भरते रहे। हम गाय भैंस इतनी महंगी महंगी लेके आते हैं। देखो चल ठीक है, चलो नमस्ते दीदी। आ जाना घर की तरफ घूमने। पूरन, अरे पूरन, ये भी बहरा हो गया है। और प्रधान जी, राम राम। राम 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 राम। और प्रधान जी कैसे आना हो? आना हो? बोल गया कल की बात, तुझे क्या जिम्मेदारी दी थी? अच्छा वो लिस्ट की? हाँ, भैंस पोई की। भैंस और पोई की? प्रधान जी मेरे बस की ना है। ना क्यों? पूरे काम में कटकनी एक तो लगाई। क्या बात कर रहा है? हाँ, और कन्ने तो मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया। अरे कौन सी लुगाई ने काट लिया तुझे? काट ना लो, वो तो बच गो मैं। मेरे बस की ना है प्रधान जी। आखिर समझ में तो आए। तो बतला मैं, काय को टैक्स कौन है, प्रधान जी क्या करवा रहे हैं? तो कुछ बताया सरकार का आदेश आयो है, मैंने कहा ये आदेश अपने घर से बना लियो। तब प्रधान जी वही तो बात कही मैंने, वो मानने को तैयार ना। देख अगर कोई मानने को तैयार ना हो ना, हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से उसकी शिकायत करवा के उसका दूध बेचना बंद करवा दूंगा। अच्छा। हाँ, एक काम करो, अगर ये लिस्ट चाहिए तो ये बताए मेरे को मिलेगा का? तेरे को कहाँ मिलेगा? तुझे बताया तो था जो तेरा टैक्स है वह मैं रियायत करा दूंगा सरकार से। आखिरकार मुखिया होने का कुछ तो फर्ज अदा करूंगा। प्रधान जी एक बात, गाय भैंस तो है ही ना, तो वो टैक्स तो लगेगा ही ना। अरे गाय भैंस ना है तो दुकान पे तो दूध बेचे तू, भागो टैक्स लगेगा? भागो टैक्स क्यों ना लगेगा? क्या और का, तू 500 रुपए का रोज दूध बेच रहेगा, 500 घर ले आएगा। छोड़ो बात, धंधे धंधे पे मत जाओ, पहले ये बताओ मुझे कहाँ मिलेगा। कहा चावे तू? हाँ तुम बताओ चावे कहा है, पहले बताओ मुझे कहाँ मिलेगा। यही तो बता रहा हूँ, चाहे मैं पूछना चाह रहा हूँ भाई, तुम मुझे दे दोगे वो? जब मुझे यही नहीं पता कि तुझे चाहिए क्या, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं तुम तो जब कही मेरी की शादी करवा दो। रह दे के शादी शादी शादी, अच्छा खासा
अकेले देख, अकेले घूम रहा हो, खा रहा हो, पी रहे हो, बढ़िया अपना दूध बांट रहा हो, खाम खामे लोगाई ला के खटराक में पड़ जाओ। चलो तो ठीक है, कोई तुम तो कह रहे कि गांव की लोगाई ऐसी, तुम राजी मत करवाओ ठीक है, पर मेरा टैक्स तो माफ करा दोगे? टैक्स? हाँ टैक्स तो काय का माफ करवाऊँ, तूने लिस्ट बनाई? काय की लिस्ट बनवा लाऊंगा मैं, हाँ तो पर मेरा टैक्स ना लगना चाहिए। चल चल चल, ये मेरा बात देख लेंगे, देख लियो है। हाँ ठीक है, तो मैं लिस्ट कर तुम्हें दोबारा जाऊंगा, पूरे गांव में घूम के किसके घर में कितने पोए और गाय हैं सारी लिस्ट ला के मुझे। ठीक है कल दोबारा जाऊंगा मैं। मुझ पे देख, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का फोन भी आ गया है। हाँ अगर मैंने समय पे लिस्ट ना दी तो दिक्कत में तुम लोग आ जाओगे भाई, हम ना रहे। ठीक है टेंशन मत लो, मैं दूंगा लिस्ट बना के, पर ये ध्यान रखियो मेरा एक रुपया ना लगना चाहिए। देख भाई, हमारा व्यापार तो मस्त चल रहा है। हाँ हमें कोई लेना देना ना है, संकट में तुम लोग आओगे जो गाय का दूध बेच रहे हो। फिर वही बात कर रहे हो, मैं संकट में तो आऊंगा, सबरे काम तो मैं तुम्हारे कर रहा हूँ, मैं संकट में ना आना चाहिए। देख सबरे काम मेरे कर रहे हो ना, तो ये काम आज का डाल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ से एक आदमी आने वालों है। ठीक है कर ली लो, तो नहीं मुझे कर ली लो कर ली। ठीक है ठीक है, सुबह आ रहा हूँ मैं पूरी लिस्ट लेके। ठीक है प्रधान जी, ठीक है टेंशन मत लो। ठीक है टेंशन तो ले रहा है, सरकारी काम है, अब तुम सरकार की मत्था पाची समझोगे ना। अरे आप कह तो सही मैंने, अब तुम जाओ मैं लिस्ट ले आऊंगा कल। जा ठीक है, और देख अब की बार कोई बहाना नहीं चलेगा, लेकर आई हो। हाँ बिल्कुल लेके आऊंगा, तेरा टैक्स माफ करा दूंगा, और सुन तेरी शादी भी करवा दूंगा। शादी? एक छोरी देखी है मैंने, लेकिन बाद में बताऊंगा कहाँ की है, ये सब बाद में, तू पहले लिस्ट लेके आ। ठीक है कल ही लाऊं। मंद बुद्धि पूरा लगा। है कोई घर में? अरे है। हाँ है, बताओ। ला चेक कराओ। क्या गाय भैंस कितनी है चेक करवाओ। किस लिए? किस लिए बे लागू है ये, किस लिए? प्रधान जी को लिस्ट देनी है सवेरे। तुम्हें बताया नहीं कितनी है? कितनी है तुम्हें बताया ना था। अब चेक कराओ, दोबारा दिखवाओ। चेक कराऊं दोबारा? हाँ लिखवा लिखवा। चलो हो रही पूरा। ये तो 5-6 गाय भैंस है। 5-6 का है, जितनी बताई उतनी तो है। ए, दो बच्चा ना है वो। हाँ तो बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, जो तो भूत निरो खा दूंगी ये। तो तुम्हारा खा रही है? मैं गंदगी निरो निरो हवा दूंगी ये। तो तुम्हारे यहाँ हक रही है जाके। ठीक है लिख रहा हूँ, अभी रुको, ये जेल जाऊंगी सब। कुछ लेके भी आयो लिखने के लिए? सब चढ़ रही है यहाँ पे। अच्छा ये लिखना रही है? जेल का को जाएंगी भाई है? जेल किस लिए? जेल यूँ जाऊंगी ये, क्योंकि गंदगी फैला रही है गाँव में। तुम्हारे घर में फैला रही है? मैं रोड पे तो आ रहा लेकर के। सबरो कहाँ जा रहा है रोड पे निकल के दिखाइए। सबरी नाली में बह रहा है। तो भैया नालियों में तो जाएगा ही। ये बात मुझसे मत करो, प्रधान जी से करियो। हाँ ठीक है, हम प्रधान जी से बात करेंगे। लिस्ट मैंने बना ली है। हाँ डलवा लूँ कैदी में, डलवाऊँ कैदी में? मैं उनसे बात कर लूँगी, कैदी में डलवा रहा पागल आदमी। प्रधान जी है क्या? प्रधान जी हाँ। राम राम। राम राम राधा। कैसे? बस बढ़िया। मैं ये कह रही हूँ, ये तुमने कौन सा नया नियम लागू कर दिया? कौन सा नियम लागू किया है? हैं? ये भैंस पोए के मतलब कहाँ से ये मतलब वो टैक्स लगने लगा? ओहो अच्छा। हाँ। यानी तुम्हें ये मालूम है? हाँ पता। अरे पूरे गांव में हल्ला हो रहा था, मुझे ना पता, मैं भी तो बजाय तुम इसके के एक लिस्ट बना के मुझे दो, मुझसे सवाल कर रही हूँ। सवाल इसलिए कर रही हूँ कि ये कहाँ का कानून है, मुझे भी तो बताओ कौन से देश में चलता है ऐसा कानून। इसमें थोड़ा सा दिमाग है तुम्हारे पास, ये सरकारी ही काम है। अच्छा ये मैं इस गांव का कौन हूँ? बदकिस्मती से तुम इस गांव के प्रधान हो। हाँ तो बदकिस्मती से ही ये आदेश सरकार ने जारी किया है कि गांव में जिसके पास गाय और भैंसे हैं उसकी एक लिस्ट जारी करो। अच्छा आया कल में? हाँ वो तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन क्यों करें टैक्स किस बात, मतलब हम क्यों दें? क्यों तो मुझे भी नहीं मालूम। मुझे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर DM साहब के यहाँ से फोन आया था कि प्रधान जी गांव की एक लिस्ट चाहिए, किसके यहाँ कितने जानवर हैं। बस मैंने ये नोटिस गांव में जारी कर दिया, अब तुम लोगों के बतंगड़ बना रहे हो। बतंगड़ नहीं बना रहे, सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ और तुम पता नहीं है कि बड़ी मुश्किल से तो एक क्या कह आपके तो फसल ही नहीं हुई थी हमारी, बारिश पड़ गई थी। जाकर फसल से क्या मतलब है? अरे फसल से मतलब क्यों नहीं है? क्यों जानवर अलग है फसल अलग है।
हम किसान लोग हैं, ये गाय भैंस ये फसल वगैरह ये हमारा पेशा है और इन्हीं को तुम छीन लोगे। तुम्हें छीन कौन रहा है, तुम्हें तो लिस्ट बना के देनी है। देखो हो सकता है यहाँ में सरकार की कोई ऐसी नीति हो जो तुम्हें फायदा पहुँचे, मगर क्या है कि गांव वाले हमेशा उल्टा ही सोचे। तो पहले एक काम करो, वो फायदा बता दो हमें। देख फायदे की पूछ रही है ना भाई, लिस्ट इसलिए बनाई जा रही है जिसके घर में जितने अपने जानवर हैं उनकी एक लिस्ट बन जाएगी तो सरकार को पता चल जाएगा कि इसके पास इतने जानवर हैं, बाकी जो जानवर फालतू घूम रहे हैं ना शहर में निकले, किसी को टक्कर मार दिए, किसी को मार दियो, तो सरकार उनको अपनी हिफाजत में ले लेगी। तुम्हारे जानवर तुम्हारे घर रहेंगे, सरकार को पता भी रहेगा कि राधा की यहाँ इतने जानवर हैं। अच्छा ये बात, फिर उससे हमें फायदा क्या होगा? उससे तुम्हें फायदा ये होगा कि ये सब सरकार की नॉलेज में रहेगो। नॉलेज कभी, अरे मेरी बात तो पूरी होने दे, तेरे अंदर बस यही गंदी आदत है। सरकार ये फायदा करना चाहती है कि अगर किसी जानवर में किसी को मार डालो गांव में, है ना, जैसे गाय वाय अपने घूम रही है गांव में, तो पता चला किसी ने तेरा नाम ले दियो कि तो राधा की गाय है, फिर तो जब सरकार के पास लिस्ट होगी कि भाई राधा के पास इतनी भैंस इतने पोए हैं इतने गाय हैं, तो तू बन जाएगी। तो हमारे आवारा कहाँ डोल रहे हैं, हमारे तो बंदे रहते हैं। ये तो कानून उनके लिए होता है प्रधान जी, जो सड़कों पे वैसे फिजूल में घूम रहे हैं। गांव के सुनो एक मिनट मेरी बात सुनो, ये गांव क्या है, एक परिवार है। सरकार ने एक गांव की लिस्ट मांगी है, यानी परिवार की लिस्ट मांगी है। और देख ये कोई मेरा बनाया हुआ कानून तो है ना है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा ही बनाया हुआ है, ये तो तुम बस ये उल्लू काट रहे हो सबका। मैं देख तो मेरा दिमाग तो खराब करे मत ही प्रधान जी, मेरे अंदर इतना दिमाग भी ना जो मैं तुमसे फालतू का टाइम बर्बाद करूं। टाइम नहीं है, मैं तो वैसे भी मुझे अपने और कहीं भी जाना है। लेकिन एक चीज बताऊं, ये कानून अपना बदल दो, ज्यादा दिन चलने का ना, क्योंकि कोई गांव वाला राजी ना इससे। अगर तुम लोग माने ना आए तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को तुम्हारे नाम की लिस्ट देनी पड़ेगी। देखिए कोई घर में घर में रहते हैं तो घर से जाएंगे का? अच्छा लाओ चेक कराओ। क्या चेक कराओ? गाय भैंस कितनी है? गाय भैंस एक ही भैंस है मेरे यहाँ। एक ही है? हाँ। बछड़ा क्या है? एक ही है। गाय? एक ही है। बेजाब? एक ही है। चेक कराओ पहले। अरे एक ही भैंस है, समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे कैसे मान लिया एक ही भैंस है? क्या चेक कराओ? वो लिस्ट बनेगी। लिस्ट काय की लिस्ट बनेगी? काय के मंत्री हो तुम? मैं प्रधान जी को आदेश है। अरे प्रधान जी कौन है, विधायक है? टैक्स लग जाएगा, का टैक्स लग जाएगा। टैक्स लगाने वाले को भी देखूं और टैक्स छांटने वाले को भी देखूं, किसने बनाया ऐसा टैक्स। जगह दबाओ के क्या दिखाऊं? गाय भैंस कितनी है? एक ही भैंस है, समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाऊं। अगर दूसरी निकले आई ना कट्टी घर भिजवा दूंगा। कहाँ भिजवा दोगे? गाय भैंस। मेरी भैंस को कोई कट्टी घर भिजवाए ना, उसके मैं इतने छोटे छोटे टुकड़े करूँ की मेरी भैंस ही खा जाए। एक ही है? हाँ ठीक है। अच्छा एक ही बता रही हो? तुम्हारी नाम है कामनी? हाँ। अच्छा कहाँ से खरीदी गाय भैंस? पेट से खरीदी। पेट से? हाँ। कौन सी पेट से? कौन सी पेट से खरीदी? बृहस्पति पेट से खरीदी। बृहस्पति तो पेट लगाई ना है। फिर कहाँ लगे? बंद है वो। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं। जब चलती थी जब ही खरीदी। वो तो 5-7 पहले चलती। हाँ 5 साल पहले ही खरीदी। जबकि भैंस है? हाँ। ए? जबकि भैंस है? हाँ जबकि भैंस है। ये तो टैक्स लगाओ डबल। काय का टैक्स लगा? पुरानी है ये। अब सराफत से जा रहे हो, ये तुम्हें और टैक्स मांगने वाले को उल्टा ही लटकाऊं यहाँ। हैं? हाँ। ना मानोगी? मैं ना मानूंगी। अच्छा जब दूध कितना दे भाई? 6 लीटर। 6 लीटर? हाँ। हाँ तो ठीक है। क्या ठीक है? डबल टैक्स लगाओ। जाओ भैया 2 किलो दूध है ना, उसे ज्यादा ना है। अच्छा 6 किलो दूध। बाकी का तो मैं पिला दूंगा, वो प्रधान के पेट में रख दूं। ठीक है मैं तो कह दूंगा। क्या कह दूंगा? और क्या जैसे तुम कह रही हो। क्या कह रही हो? अच्छा अच्छा गोबर कितना करे? 10 किलो। 10 किलो? हाँ। तराजू लगा दे वो नीचे। हाँ। और क्या डाल के कहा? वो रोड पे। रोड पे? सरकारी रोड पे। तो डबल टैक्स लगाओ। काय का डबल टैक्स लगा? रोज आदमी रबट रहे हैं, रोज मोटरसाइकिल गिर रही है, शर्म नहीं आ रही। आदमी गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल गिर रही है, तुम थोड़ी ना कर रहे हो। रोड पे का जरूरत है डालने की? और कहाँ डालूं तुम्हें? कहाँ डालूं भाई? ऐसे जानवर को पालो ही बंद करो। क्या पाल तुम? गंदगी फैला। अच्छा वो प्रधान से क्या रूल तो बनवा रहे हो, यूं ना कह रहे वो प्रधान घूरे बनवा दे तो यहाँ गोबर कूड़ा पड़ जाए। जब ना कुछ बनवाएंगे खा जाएंगे सब लेके, तो हम तो रोड पे ही डालेंगे। और ज्यादा बकवक करी ना तो तुम्हारे और प्रधान के घर में ही डालूंगी। मैं
डबल टैक्स लगवाऊंगा। अरे तुम टिबल लगवा लो, किसी के दम हो तो मुझसे टैक्स लेके दिखाए। ऐसा मुझसे बच्ची तो करो मत। मैं कुछ नहीं कर रही, ठीक है? मैं कुछ नहीं कर रही। मैं तो तुमसे कहूंगी तुम आयो मेरे दरवाजे पे, प्रधान क्यों ना आए? हाँ। हम तो ये देख रहे हैं कितनी गाय भैंस है, देख ली ना? और क्या, चटक लो। अब हमें का मालूम तुम तो एक बता रही हो। एक ही है, होगी दो चार फिर? 50 है। मैं बिजनेस चला रही हूँ, डेयरी खोल रखी है मैंने। उल्टी बतलाऊंगी, तीन तरह के आ जाए पूछने, कभी प्रधान, कभी प्रधान के चमचे, कभी। अब प्रधान जी, अब प्रधान जी, आप सो रहे हो? अब प्रधान जी, राम राम। राम राम। आप प्रधान जी लोग लिस्ट आयो? ये मेरे बस की ना है प्रधान जी, मेरे बस की ना। जिनके घर जाओ वही लट्टू लेकर दौड़े, ना चाय ना पानी ना रामा ना कृष्णा, उल्टे बतला में सब। तूने बताया ना कि प्रधान जी का आदेश बता दी मैंने, उसके बाद भी? हाँ, जो कहेंगे प्रधान जी का मंत्री है तो प्रधान जी वो है। हाँ प्रधान जी, तुम ही कर सको या काम? और मैं तो जो कह रहा हूँ प्रधान जी, सबसे बढ़िया ये है, या योजना बंद करो। योजना बंद करो? हाँ। अरे योजना क्या, मैंने अपने घर से चला दी। अरे योजना सरकार की है। बोलो, वो ये ऐसी बोलो, पैसा बांटे वाली। पैसा बांटे वाली? हाँ, क्योंकि हम जा रहे हैं घर घर, और लोग आएंगे हमारे पास भागती भाई। देखो अब ये गाँव है ना, संकट में आने वालों है। संकट में? हाँ, क्योंकि कानून के खिलाफ बात चल रही है, लोग अभी समझ नहीं रहे इस बात को। तब प्रधान जी ये कानून चल का रहो है, जाके घर जाओ वही लट्ठ लेकर दौड़े। हाँ हाँ, कचूरा लो कुत्ते पीछे पड़ जाओ। ये मेरे बस की ना है। जब जब जो शहर का DM है ना, जब पुलिस के साथ आए वो लिस्ट बनाने, तब अपने आप बनाए वो, फिर खड़े हो गए। अभी तो प्यार से कह रहा हूँ, बात कर सको। वैसे मेरी समझ में तो योजना बंदी कर दो। अबे तो योजना का मैंने अपने घर से चला दी, ये तो सरकारी आदेश है। सरकार से को ये योजना ना चल रही, दूसरी खुलवाओ। दूसरी खुलवाओ? और क्या। एक बात बता, तू थोड़ी बहुत तो अकल रखे है ना? चो? हाँ, या दूध बेच बेच के तेरा दिमाग में बुड़बक सब भूसा भर गए है ना? अकल है तो ना है। बस शादी करेगी अकल है? चो? हाँ। मतलब कहने का चाह रहे हो? कहना ये चाह रहे हैं, एक काम तुझे सौंपा और तू घर घर गयो और वहां से तू खाली हाथ आ गयो। खाली हाथ ना हो, लिस्ट तो बन रही है, चेक तो कर लो पहले यार। चेक कर ली मैंने, पूरे गांव की लिस्ट ना है। पूरे गांव की? मैं कोई घर में घुसनी ना दे रहा हूँ, ना चेक करने दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, जबरदस्ती घुस जाऊ? जिनके घर घुसो घुसो, उनके घर देख आओ। लगता है कोई है? दूसरा तरीका अपना। हाँ, दूसरा दूसरी योजना कर रहा। सरकार से बात करो, तुम तो बात कर ले। अरे सरकार से मैं बात करूंगा? सरकार मुझे आदेश देगी, मैं गांव का प्रधान हूँ। हाँ तो आदेश देगी, तुम भी तो आदेश कर सको कुछ। तो मैं आदेश कर तो रहा हूँ, सरकार ने मुझे आदेश किया और मैं तुम्हें आदेश कर रहा हूँ। तो सरकार से को ये योजना नहीं चल रही, दूसरी बताओ कोई। ठीक है प्रधान जी, मेरे पास किराया जा, बंदा पकड़ो अपने, मैं तो जा रहा हूँ। एक काम बताया वो भी ढंग से ना कर पाया। काम को भी हमको बता भी रहा, तुम जब देखो तब उल्टे सीधे काम बता। चल जा, मैं अपने अपने आप करो यार, योजना देखो अपनी। योजना देखो, बड़ा दिमाग खराब है, कुछ करने की भी नियत ना करी। नमस्ते दीदी। नमस्ते, क्या हो गया? अरे दीदी क्या बताऊँ, मेरा इतना दिमाग खराब है, वो तो आपकी त्योहार में भी नहीं आ रहे। अच्छा। लेकिन ये गांव में प्रधान ने और वो प्रधान के चमचे ने बड़ा मूड खराब कर रखा है। वो तो शुक्र है मैंने अभी तक घेर में ना घुसने दिए, एक ही एक बहस बता के लौटा देती हूँ। टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा, इन्होंने तो कन्ना खाना भी दुश्वार कर दिया है। कुछ टैक्स नहीं लगेगा, मैं भी गई थी प्रधान के पास। हाँ, वो भी कह रहा था कि वो क्या कहते हैं, तुम पर टैक्स लगेगा। किस बात का टैक्स दें? हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, हम निहार खिला रहे हैं, हम खरीद के ला रहे हैं, इनको किस बात का भन्ना भर दें इनका? समझ में ना आ रही है। मैंने ये तो पूछी कौन सा नया वो क्या कहाँ का कानून है ये तो बता मुझे, पर वो तो ये कह रहे नहीं ये यहाँ का कानून है, बस हम टैक्स लगा रहे हैं। इनके घर में बीवी बच्चे हो तो इन्हें समझ में आए, दोनों ही ऐसे से। और दीदी मेरा तो बड़ा मूड खराब है, मैं तो जा रही हूँ अभी DCM करने, टेम्पू वाला छोटा हाथी जो होता है उसे करने जा रही हूँ मैं तो अभी, इन्हें बेक बुक की क्लेश खत्म करूँ इनकी। अरे काय को बेक रही है पागल? अरे दीदी चार पाँच है, वो तो मैं एक बता के भगा देती हूँ बाहर से बाहर, अभी तक घुसने ना दिया मैंने प्रधान और प्रधान का चमचा। चार पाँच तो मेरे पास भी है लेकिन कोई जरूरत नहीं है जाने की, मैं हूँ ना। अब मैं क्या करूंगी? वो मैं देख लूं, वो मैं करूंगी ना, तुझे अपने आप दिख जाएगा, तुझे सुनवाई में भी आ जाएगा। अच्छा ठीक है ना, जो मैं करूंगी कर, अब तू कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे दीदी लेकिन जरूर जल्दी करना, मैं जो भी मेरे घर आ गया ना मार बैठूंगी अब तो मैं जो है ना प्रधान
प्रधान का जो चमचा है उसी का दिमाग घुमा के देखिए, ऐसा करवा दूंगी कि ये सब ये क्या कहते हैं नियम सब धरे रह जाएंगे। तो मुझे तो बता दो जरा, ऐसा है देख, हाँ मैं बोलूंगी उससे कि ऐसे ऐसे सारे वो क्या कहते हैं बिजारों को इकट्ठा करके, एक शहर है दुबई, तो वहां ना ऊंट मतलब क्या कहते हैं पाले जाए, वो ऊंट रहते हैं, अब वहाँ ऊंट हो गए खत्म। मैं बोलूंगी ऐसा उससे वो क्या कहते हैं, तो वहाँ ऊंट खत्म हो गए, तो यहाँ से जो है ना एक बिजार की जरूरत है, यहाँ से एक एक बिजार बिकेगा 1-1 लाख का। अच्छा, तो वो क्या काम करेगा, ये सारे बिजारों को भर के अपने उसमें बांध लेगा, तो वो क्या कहते हैं हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर समझ में नहीं आई तेरी समझ में? अरे अरे मैं समझ गई, तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम कहोगी दुबई में जाके एक बिजार 1-2 लाख रुपए का बिकेगा। हाँ, वही तो मतलब प्रधान को लालच आ जाएगा, ऊंट मतलब वहाँ ऊंट है। समझ गई, मैं समझ गई, जैसे कि प्रधान को लालच आ जाएगा, फिर प्रधान हमसे सबसे बिजार खरीद के और पैसे मंगवा के पैसों से, हाँ और खरीद खरीद के प्रधान वहाँ भेजेगा दुबई, और जब तक कह देंगे की योजना खत्म। दिमाग तो सही लगा, लेकिन उसके चमचे को ढंग से समझाना पड़े, मुझे बुला लेना, तुम नहीं समझा पाई तो मैं समझा दूंगी, मैं समझा दूंगी उसकी, टेंशन मत ले। ठीक है, नमस्ते दीदी, अब मैं जा रही हूँ, आ तो तुम्हारी कर रही थी पर तुम मिल गई। फुरफुरी अब तो लगेगी, पैसों की कमी थोड़ी है हमारे पास, बहुत पैसे, बतेरा पैसा हमारे पास तो, क्योंकि चक्कर क्या है ना मेरे पति जो है ना ऐसे देश में ही काम करते हैं। योजना खुल रही? योजना नहीं है, मैं बताऊं, मेरे जो पति है ना वो दुबई काम करते हैं, तो वहाँ रहते हैं ऊंट, ऊंट रहते हैं वहाँ पे, ऊंट के संग्रह में वो, अरे ऊंट रहते हैं वहाँ पे यार, तुम गहराई में मत घुसा करो। अच्छा। कैसे हमारे यहाँ गाय भैंस ये सारी चीजें पाली जाती हैं, ऐसे ही वहाँ ऊंट पाले जाते हैं। अच्छा, वहाँ जो ऊंट है ना उनमें बीमारी लग गई है, कुछ कोई ऐसी बीमारी होगी लग गई होगी, वो हो गए बेकार, तो हमारे यहाँ से जो है ना बिजार मंगाए। बिजार? हाँ, रोड पे डोलते हैं। हाँ, वो जो रोड पे डोलते हैं बिजार मंगाए हमारे यहाँ से। उनको क्या होगा? उनका क्या होगा, वो वहाँ जाएंगे वहाँ काम करेंगे। मैंने 2 ट्रक भिजवा दिए, मेरे पति का फोन आया था। अच्छा? मैं सुबह से ये समझ लो ये काम करने पे लगी पड़ी हूँ, जितने भी बाजार घूम रहे ना सब ट्रक में भरवा भरवा के सब भिजवा दिए। अच्छा, और क्या, ये पैसे उसी के थे, थोड़ा मैं गिन नहीं थी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात ना, ऐसी योजना हम देखेंगे, देख लेना। हाँ, है प्रधान जी बता रहा हूँ। अब तो बड़ी गर्मी है। नमस्ते नमस्ते भैया जी, पैसा की गर्मी है? पैसे की तो गर्मी होगी, 2 ट्रक निकलवा के आएंगे, इसीलिए तो हवा कर रही हूँ, पैसों से ही इतने हैं मेरे पास, तो अलमारी भरी पड़ी है। अरे जस्ट अभी लेके आई हूँ ना, 1 ट्रक निकलवा के आई हूँ, 2 कल निकलवाए थे, इतनी गड्डियाँ तो घर पे रखी हैं, अभी मैं इनकी लाओ रास्ते से लेती जाऊँ, घर पे डाल दूंगी, ऐसी अलमारी में पड़ी रहेगी, क्या है कुछ ना कुछ तो काम आएगी। ऐसी कौन सी योजना खोल ली? अरे योजना भी योजना खोल, अरे लॉटरी लग गई, लॉटरी हमारी, लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई, लॉटरी ऐसे लग गई, मेरे मतलब हस्बैंड के छोटे वाले भैया जो हैं मेरे देवर जी, वो करते हैं दुबई में काम और बम्बई में काम करते हैं मेरे हस्बैंड, तो दुबई से बम्बई खबर आई और मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया कि वहाँ पे ऊँटों की पड़ गई है कमी, दुबई में ऊँट चलते हैं, ऊँट जैसे हमारे यहाँ गाय भैंस चलती हैं वैसे दुबई में ऊँट चलते हैं, तो वहाँ पर ऊँटों में थोड़ी पड़ गई है कमी, जैसे कि कोई परेशानी है, कोई बीमारी वायरस चल रहा है उनको, वो अटैक कर गया है तो वो काम नहीं कर पा रहे, तो हमारे देश से किसी भी देश से हर देश में ये खबर कर दी गई है कि बिजारों की में सख्त जरूरत है, बिजारों की सांड, हाँ हाँ बिजार सांड जो बोलते हैं, और हमारे यहाँ तो बहुत सारे ही हैं, अरे अगर ना भी हो तो थोड़े बहुत पैसों में फ्री में मिल जाएंगे खरीदने से, और वहाँ पे हमें भेजने हैं और हमें बहुत सारे 1-2 लाख रुपए के बिक रहे हैं वहाँ पे, इतने सारे पैसे मिलेंगे कुछ कहने की नहीं। और सुनो, हम प्रधान जी को क्यों बताएं, प्रधान जी तो हमसे टैक्स ले, आप सुनो प्रधान जी को टैक्स देने की भी हमें कोई जरूरत नहीं है, हम सारे सांड खरीद खरीद के कहाँ भेजेंगे, मेरे सब चौराहे पे मेरे सांड का पड़े रहे में, तो तुम पकड़ो ढूंढो और अपने प्रधान से कहो, देखो कितने, अरे ठीक है अगर आपके बस की नहीं है ये बिजनेस करना तो अपने प्रधान से कह के थोड़े थोड़े पैसों में खरीदवा के और भिजवाओ।
अच्छा और क्या तुम्हें भी प्रॉफिट होगा? प्रधान जी से ही बताऊंगा। बता दो। और सुनो, प्रधान जी हमसे टैक्स मांग रहे थे ना, 1 लाख 2 लाख, अब जितना चाहे उतना टैक्स ले लें। अरे हमारी तो लॉटरी जो लगी है, हमें तो टेंशन ही नहीं है। अच्छा बिल्कुल, ज्यादा पैसे की गर्मी है। अरे गर्मी तो पैसे से अभी प्रधान जी को खबर दूँ, प्रधान जी को दे दो जाके, अभी तुम्हारी लॉटरी लगवाऊंगा। अरे प्रधान जी हमारा क्या करेंगे, हम तो अपना बिजनेस चलाएंगे। प्रधान जी, अब प्रधान जी, प्रधान जी राम राम। हाँ थोड़ा आराम से। प्रधान जी आराम की बात ना है, तुम्हारी वो है ना पड़ोसी, हमारी पड़ोसी, पड़ोसी करोड़पति है वो। करोड़पति? हाँ। अरे सुबह सुबह भांग खा गया। प्रधान जी सुनो, दुबई में ऊंट की बढ़ गई कमी। ऊंटन को लग गई बीमारी। अच्छा, अब वो कई काम के है ना, तो तेरे पास क्या डायरेक्ट टेलीफोन? प्रधान जी सुनो पहले। हाँ। हमारे यहाँ पे जितने भी ये सांड गाय डोले गाय ये सबरे इकट्ठे एक ट्रक में भर भर के दुबई जा रहे हैं, और एक सांड 1-1.5 लाख को बिके। क्या कह रहे हो? हाँ 1-1.5 लाख को। मैं ऊँट तो खत्म है गए, अब सांड जा रहे हैं, सांड काम करेंगे। मैं तू सही कह रहे हो? हाँ भाई, मैंने गड्डी दी गड्डी गड्डी पे गड्डी। तेरी बात पे भरोसा तो ना करूं। तुम सही बात पर रह गए, गांव की जितनी भी औरत है ना सब पैसा वाली है। हमारी पड़ोसियां देख लो, सभी हवा करते डोल लेंगे नौकर के। गड्डी पे गड्डी गड्डी पे गड्डी आ रही है। तो फिर देख, मैंने तेरे को इतने काम बताए लेकिन तू आज तक मेरे किसी काम ना आया। अब तू मेरा एक काम कर। हाँ। देख जितने भी सांड है ना सबको खरीद ले। खरीद लो? हाँ। मुँह पे इतना पैसा कहाँ है? अरे पैसा मैं दूंगा ना। अच्छा तुम दोगे? हाँ तो ठीक है। और सुन, अभी आ रहा हूँ चौराहे पे। एक दीवार खींच के चौकोर बामे सबको भर दे, और पैसे की चिंता मत करे, पैसा ठीक है। वो को फायदा होगा तो तुझे भी फायदा कराऊंगा। ठीक है प्रधान जी, ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ चौड़ाई पे। हैं जितने भी सांड डोल ले होंगे और सवाने पकड़ के चौपाने बंद करवा दूँ। देख ये जिम्मेदारी थी। देख अब मैं तो अच्छा लगूंगा ना कि गांव का प्रधान डोलता मेरे और बाजार खरीद। हाँ मैं करवाऊंगा। प्रधान जी टेंशन मत लो, और तुम एक काम करो, पैसा दूंगा। पैसा? हाँ पैसा मैं तुझे देता हूँ। और सुन, मेरा जो खेत पड़ा है ना उसके चारों तरफ दीवार खिंचवा दे रही। हाँ बाउंड्री करवा के, बाउंड्री करवा के करवा दे, बाजार खरीद के वाई में भरवा दे। ठीक है ठीक है, तुम पैसा लाओ। अच्छा हाँ तो रुक, मैं भी लेकर लेके आओ, लेके आओ, अब पैसे ही ले आऊँ तुम्हारो। देख पूरन ये ले, पूरे 2 लाख हैं। और सुन, 2 लाख हैं पूरे? हाँ पूरे 2 लाख हैं। अब सुन, जितने भी बाजार हैं सब अपने होने चाहिए। तुम टेंशन मत लो, सब भरवा दूंगा। और फिर है? आगे देखते हैं क्या करना। ठीक है अभी जा रहा हूँ चौराहे पे। चौराहे पे जा। ठीक है हाँ, जल्दी करियो ये काम इससे पहले कि कोई और हाथ। ठीक है ठीक है प्रिया जी, ठीक है टेंशन मत लो, अभी जा रहा हूँ। ये स्कीम बढ़िया है, मजा आ गया। कहाँ जा रहे? राम 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 राम। कहाँ मैं जो करूँ? और सांड का मिलेंगे। सांड? सांड क्यों? क्या तुझे क्या जरूरत है? मैं जरूरत ये है, प्रधान जी को आदेश है, जितने भी सांड गाय जितनी भी डोल लें सबरे अरे तो ये बंद करवाओ। ये व्यापार तो हम कर रहे हैं, तुम हमारे व्यापार में क्यों घुस रहे हो? तुम्हारा व्यापार है? तो बहुत एलर्जी थी उनसे। मैं देता हूँ, कोई भी कर सका, तुम्हें जा सका मतलब है? नहीं ये तो इधर जा कर रहा है, इधर सांड देखने। ये इधर का एरिया मेरा है। और क्या? वो तो रास्ता है, कहीं भी जा सके आदमी। तो रास्ता तो रास्ते से जाना, रास्ते से जाना। पहले कैरबा को बेच रही हो? मैं बेच रही हूँ। अब कीमत ज्यादा बढ़ती जा रही है उधर, अब बिक रहा है 2 लाख का एक। 2 लाख का जो? अच्छा। थोड़े ज्यादा मोटे हैं, मतलब कुछ जरूरत से ही ज्यादा मोटे हैं, जो इनपे चला नहीं जाता, बस सोते ही रहते हैं, उनकी कीमत ज्यादा है, उनकी 2 लाख है। और वो थोड़े वैसे थोड़े मतलब कमजोर से फुर्तीले। हाँ थोड़े फुर्तीले, उनकी 50,000 है। मतलब जो आदमी न मार रहे वो तो 4-4 लाख के बिक रहे, उन्हें सबसे पहले पकड़ो। अच्छा हाँ वो 4-4 लाख के बिक रहे हैं, और क्या, उनकी कीमत कुछ ज्यादा। क्योंकि एक बात बता, जब इतने सारे क्राइम कर रहे हैं
तो क्राइम को ज्यादा पकड़ेंगे ना। अच्छा इतने बड़े देश में तो ज्यादातर क्राइम होते सही है क्या? नहीं चलो दो चार और पकड़ के लाऊंगा आगे। लेकिन सुन इधर मत जा। चो? इधर तो मैंने सब खरीद लिया, इधर सारा मामला खरीद लिया, खरीद के भिजवा भी दिए। अब ना आएगी? अब नहीं, इधर तो कुछ है ही नहीं, अब तो सुनसान पड़ा है, सब सफा कर दिया मैंने इधर। हाँ जब भी तो मैं कह रही हूँ सब गाड़ियों में लदवा दिया। चलो ठीक है मैं और देख लूँ। पांच ट्रक लद के गए। अरे मैं भी जा रहा हूँ चौराहे पे। चौराहे पे? हाँ चौराहे की तरफ देखो। चौराहे पे सुन, जो डोले होंगे ना चारों तरफ ढकेल की तरफ खड़े होंगे, कोई दुकान की तरफ फटाफट पकड़ के ट्रक में भरवा के भिजवा दो। अच्छा हाँ अच्छा मैंने एक बात बताऊँ, जो प्रधान जी को खेत पड़वाना हो अभी तो बाकी बाउंड्री करवाई है। अच्छा जितने भी साढ़ आ रहे गाय सब बाँ में भरे जा रहे हैं। ओ। और जितने भी जैसे तुम हो सबरी खरीद खरीद के भाई में भरवा रहे हैं, फिर भेजवाएंगे बाद में। अच्छा इकट्ठे करके चल चल कोई बात नहीं, मैं देखूँ चौड़ा पे एक आध और मिल जाए। हाँ देख ले जैसे अगर तुम एक आध बेको ना तो मैं बता दूंगा। ना हम यहाँ ना बेचेंगे, यहाँ तो हम तो डायरेक्ट वहीं बेच रहे हैं। बात तो वही पड़ेगी, यहाँ इतने दाम नहीं दे पाएगा। 10-20 हजार का फर्क पड़ेगा। ना 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 इतना तो इतना तो किराया लग जाएगा तुम्हारा। चक्कर क्या है, उन्होंने मुझसे ये बोल दिया है कि तू मत बेचियो इधर, तू सिर्फ भिजवा दियो, पैसे तो हम अकाउंट में आ ही जाते। अच्छा हाँ ठीक है, मैं अभी चौड़ा पैसा बटोल ले रू सबरे सारे ने बटोले, एक भी ना रह जाए। प्रधान जी, प्रधान जी पूरन, प्रधान जी राम राम। राम राम। प्रधान जी एक बार बताओ आपका मैं पूरे गांव में भर दो। अरे जिस काम के लिए तुझे भेजा वो सबरे काम है, पूरे बाड़ा भर दो। हाँ हाँ मारे और सबरे कर रहे वो। अरे या तो उनकी व्यवस्था करो, बहुत अच्छा काम किया, या उनकी सप्लाई करवाओ। अरे मुझे भेजवाओ। अरे ये तो बता, तूने बाड़ा तो भर लियो, अब जाकर करना क्या है, कहाँ भेजना है, कहाँ सप्लाई करना है? सप्लाई करवाओ। अरे सप्लाई तो होनी है, मेरे मेरी सारी कमाई इसमें लग गई, 25-30 लाख रुपए लग गए। 25-30 लाख लग गए होंगे। काम करे, जिसने तो वो ये स्कीम बताई उससे पूछ तो सही पूरा लाल कि कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। अच्छा राय लेके आनी है तो बताई तो राधा नहीं राधा ने हाँ तो तू ही पूछ राधा से, मेरा पूछना सही ना रहे वो। चलो मैं पूछ लूंगा कहाँ भिजवाने हैं, तू पूछ ले, अगर मौको मिलेगी तो मैं पूछ लूंगा। ना 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 मैं ही पूछ लूंगा। अच्छा तुम्हारा पूछना सही ना, तो जल्दी पूछे तो कम से कम 25 लाख खर्च करें तो कम से कम 50 लाख तो पैदा हो। हाँ तो ठीक है मैं जा रहा हूँ पूछने। पूछ और देख जल्दी आइयो। ठीक है ठीक है मैं इंतजार कर रहा हूँ। अरे है कोई घर में? हाँ जी बताइए। है राम राम। है राम राम। हाँ मैं जो कह रहा हूँ के वो हमारे सांड है कहाँ? हाँ हमारे प्रधान जी है कहा, उन्होंने खेत जो तबा के बाउंड्री करवाई। हाँ अब बाँ में है इतनी ऊंची ऊंची बाउंड्री करा दी। अब बाँ में बाड़े में ले रहे सांड, फिर उनकी व्यवस्था करवाओ भेजवाओ ने। व्यवस्था कहाँ से करवाए, मैं ये कहने आ ही रही थी तुम्हारे पास कहने। अच्छा अच्छा डीसीएम करवा लूं? डीसीएम? अरे कुछ मत करवाओ, वही रहने दो जहाँ है। ऐसा तुम समझे नहीं मेरी बात को, अभी 2 महीने के लिए योजना बंद कर दी है, 2 महीने के बाद शुरू हो जाए और कन्फर्म भी नहीं है नहीं भी हो, दोनों ही बात है। अभी 2 महीने तक इन्हें खिलाओ पिलाओ, थोड़े और पुख्ता हो जाएंगे तो इनके रेट और हाई फाई हो जाएंगे। पिंडा जी ने 25-30 लाख रुपए खर्च करो है। हाँ ये तो सही कह रहे हो बिल्कुल, तुम कह रही हो खिलाओ पिलाओ। हाँ ये तो है, ये बात तो सही कह रहे हो। पता हमारा एक ट्रक वापस आ गया है, हम भी तो घाटे पे गए। तुम्हारी वापस आ गए और अब क्या करें बताओ, ये हमारे हाथ में है। एक बात बताओ, एक आध दो हो तो खिलाए पिलाए, भाई 2 बीघा में टाड़े वो अल्लाह मचा रहे हैं वो, उनको करो का जाए। अब क्या करें बताओ, हम क्या हमारा जो ट्रक वापस आ गया, अब हम क्या करें बताओ। अब प्रधान जी कहाते लाएंगे उनको खा बेगू। अरे तो हम क्या करें, तुम ये बताओ, हमने कही थी तुमसे है? वो ऐसा लग रहा हो तुम झूठ बोल रही हो। अरे नहीं बोल रही हूँ झूठ। तुम झूठ बोल रही हो कि प्रधान जी के साथ चले जाएंगे तो मेरे न जा पाएंगे। अरे तुम्हारे दिमाग खराब हो गए, जब मैं कह रही हूँ मेरा खुद एक ट्रक वापस आ गया वहाँ से, समझ में नहीं आ रही तुम्हारे। मैं कामनी के पास जाऊँ तुम? हाँ उससे पूछ लो, वो तुम्हें बताएगी बिल्कुल डिटेल में साफ साफ। कोई घर में? हाँ है घर में, आयो तो कोई ना कोई तो मिलेगा ही। है ना राम आना किस ना राम राम भाई राम 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 राम
और बढ़िया कह रहा हूँ। एक ट्रक फ्रक जा रहा है यार तुम्हारे? हाँ मेरा तो कल भी गया था एक, पास हो गया। पास है वो? और क्या, तो हमारी पास करवाओ। ना ना सुबह ही नो एंट्री हो गई। कैसा सुबह नो एंट्री ऐसे हो गई कि वहाँ दुबई में अब जरूरत नहीं है, पूर्ति कर दी हमने, और बाहर देशों से भी तो आए थे। हाँ हाँ, तो इसलिए पूर्ति हो गई। सुबह फोन आ गया तो मैंने तो इसीलिए कोई खरीदा ही ना। मर गई। हाँ क्यों? मैं यूँ कह रहा हूँ, प्रधान जी ने दो बीघा खेत में बाउंड्री करवाई है। हाँ सबन में 60 भरे पड़े हैं। अच्छा उनको क्या होगा? उनका ये होगा, सुनो तकलीफ मत करो कोई, एक महीने बाद दो एंट्री खुल जाएगी, एक आध मरेगा गिरेगा कुछ होगा तो कमी पड़ जाएगी, फिर मंगाएंगे वो। एक महीने बाद सबसे पहले तुम्हारे ट्रक लगवा दूंगी। ए? हाँ भाई, एक महीना खवाएगा कौन उन्हें? अरे प्रधान जी खिलाएंगे, बतेरा पैसा है। एक बार बताओ, एक आध दो हो तो खवा हो जाए फिर। हाँ 200 साढ़े वहाँ में 200। हाँ अरे तो प्रधान जी के लिए कौन सी बड़ी बात है, ज्यादा एक 1.5 लाख रुपए खा जाएंगे। 25-30 लाख को उन्हें लगा दो। अरे तो कोई बात नहीं है माँ, 10-20 करोड़ रुपए कमेगा इनका, 260 कम समझ लो, कीमत बढ़ेगी घटेगी ना। देखो समझ से सोचो, आज तक किसी चीज की कीमत गिरी है? बड़ी है, मतलब सोने की चांदी की कपड़े की लत्ते की कीमत बढ़ती है घटती नहीं है, जमीन जायद कुछ भी ले लो, साढ़ की भी कीमत बढ़ेगी घटेगी थोड़ी ना। एक महीने बाद 5-5 लाख रुपए के जाएंगे, खवा पिला के और ज्यादा सांड कर लो। नहीं ऐसा तो ना, तुम झूठ बोल रही हो। झूठ फिर विश्वास ना है तो रहने दो, फिर क्यों आए? अच्छा अच्छा तो ठीक है, मैं कह दूंगा पहचान जी तक। हाँ क्या तो एक महीने तक एसी में रखे हैं, और हॉल बना दे उनके लिए, समर से नहलाएं, सारी व्यवस्थाएं दे, जितने वो मस्त दिखेंगे उतने मस्त पैसे मिलेंगे। अच्छा हाँ अच्छा तो, और प्रधान जी से कह देना जब भेजे तो फ्लाइट से भेजे। हाँ ट्रक से तो हमने भी भेजे, फिर उनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा? वहाँ में तो आऊंगी ना, वो उड़ेगा भी ना, उड़ जाएगा ना, उड़ जाएगा। एक संग वहाँ में 4-60 भूसे देना ना, तो हिल जाएगा वो जहाज। हाँ तो फिर देख लेना अपने कहीं से भी, वो मैं बात कर लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। राम राम भैया। राम राम। प्रधान जी, अब प्रधान जी, प्रधान जी राम राम। राम 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 राम। अरे तुझे जिस काम के लिए भेजा था काम करके आया कि नहीं? काम बंद है। क्या मतलब बंद है वो काम? काम बंद हो गया और क्या, आज 60 हजार में पूर्ति है गई। 60 हजार ना, एक महीना बंद है। एक महीना बंद है? हाँ एक महीना बाद जाऊंगे। अरे पागल, मेरा 20-25 लाख रुपया लगा हुआ है उसमें। हाँ तो लगा हुआ तो मैं लगो रहने दो ना, नहीं रहने दो मैं, एक महीना बाद जाएगा। अरे उनको खिलाना पिलाना उनकी देखरेख कौन करेगा एक महीने? मैं तुम है तो, मतलब मैं वो 4 बीघे में वो बसे हुए हैं वहां जाके उनकी देखभाल करना। चौड़ाई पे सूत मिल चौड़ाई पे वहां से 8 बिहारी पकड़ लेना, वो करात पिलात रंगे देगा वाली करते रंगे। और पैसा कौन खर्च करेगा? तुम करोगे भाई, एक महीना बाद बिकेंगे। बंद है वो, बंद है योजना। लेकिन तुझसे कही किसने? वो व्यापार कर रही है, वो करोड़पति बन के बैठी कहा है, उनने कही है मुझे। जब तो तू बड़ी तारीफ कर रहा था कि बड़े नोट गिन रही है, और अब क्या हो गया भाई? प्रधान जी मेरे सामने तो गड्डी पे गड्डी आ रही। अरे उनकी गड्डी पे गड्डी आ रही है, लेकिन यहाँ मेरा जब इतना पैसा लगा है तो वो कैसे वापस हो? वो वापसी आया हो, एक महीना बाद आएगो, अभी उनने पूर्ति कर दी वहां पे। एक महीने तक मैं क्या करूं भाई? नो ही दो ने। अरे मैंने सारा पैसा उधार लेके लगा दियो। उधार लेके लगा दियो भाई? देखो मुझे जैसे वो कह रही वैसे मैंने तुम्हें बता दी, तुम्हें ना तो विश्वास तो बात कर लो अपना। अरे विश्वास क्या, लग रहा है हमें बुड़ौक बना दिया है। आ बात कर रहा हूँ तुम्हारी, विश्वास ना आ रहा हूँ मैं बात। आओ चल, आओ चल बोला। अरे भाई, अरे जी राम राम। राम राम प्रधान जी। प्रधान जी राम, 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 राम। बताइए। अरे बताइए क्या बता दो, वो यो कह रहा हूँ वो योजना चली गई, वो बता दो कब चलेगी। कौन सी योजना? वही बिजारन की। बिजार? 2 बीघा खेत में बिजार। वो बिजार जो दुबई जा रहे थे। हाँ दुबई। हाँ बिजार कभी दुबई जाते होंगे? अब बता मुझे ये बताओ, बिजार कभी दुबई जाते हुए देखे? तुम ही तो कह रही नहीं। कब बोली मैंने? अरे यार ये पागल आदमी, तुम गाड़ी पे गाड़ी, डीसीएम पे डीसीएम जा रही दुबई, और गड्डी पे गड्डी गिर रही। तुम हमारी कोई फैक्ट्री नहीं है जानवरों की, जो हम यहाँ से डीसीएम और वो ट्रक लदवाएंगे। क्या बात कर रहे? बताई बाबू तो बताई। मैंने बिल्कुल नहीं बताई, पागल है तू, ये कहाँ से पकड़ लाए, कौन है, मैं जानती नहीं हूँ। दुबई बिजार न जा रहे? कहाँ जाते हैं? दुबई
बाजार जाते वो देखे आपने? प्रधान जी इनने गरीबों से, मैंने नहीं बोला इसे, ए, 25-30 लाख रुपए लगवा के तुम देखो इसे किसी अच्छे से डॉक्टर के दिखा दो, ये वाकई पागल है। अरे अच्छे झूठ बोल रही है, एक काम करो काम के बाद चलो। हाँ जाओ पूछ लिए जा, जवाब वो बता देगी जा। एक तो पैसा में आग लगवा, आप प्रधान जी मेरे ये पागल आदमी है, बांध के रखा करो। बोला ए भाई, राम राम भैया, राम राम, राम राम, वो यो कह रहा हूँ इन्हें विश्वास ना है रहो। किस चीज का? वो साठ को, साठ का 2 बीघा खेत में साठ ठाड़ो इनको, 2 बीघा खेत में। अब इन्हें बताओ साठ का क्या करोगे? साठ का हाँ? अरे वो दुबई भेजने थे ना। दुबई? हाँ। प्रधान जी कैसी बातें कर रहे हो, आज तक इंसान तो दुबई घूमने जा नहीं पा रहे, तुम साठों को भेजने की बात कर रहे हो, मतलब कितना पैसा आ रहा है, क्या बात है, क्या करना चाह रहे हो? अरे करना क्या चाह रहे हो, जाने मुझे बताया कि भाई गांव की छोरियां हैं जो यहाँ के बाजार दुबई सप्लाई कर रही हैं और डबल पैसा मिल रहा है, मैंने खरीद लिए सारे साड़। आज तक प्रधान जी हम तो दुबई गए ना घूमने, हम साड़ों को गांव से भेज देंगे। अरे बुढ़वा बता ना क्या कह रहा है, तुम ही तो कह रही साड़ जा रहे हैं वहाँ। कब कह रही? कब कह रही? हाँ। कब तो बहुत गड्डी पे गड्डी गिन रही, गड्डी डीसीएम जा रही है। अरे भगवान, अभी तक मैंने गड्डी नहीं देखी, गड्डी कहते किससे है, मेरे तो पति ने अब की त्योहार पे सैलरी भी नहीं भेजी। झूठ बोल रही है ना कहीं मौसम? झूठ? भगवान मुझसे झूठ तो कभी जीवन में ना बुलाए। अब ये बताओ तो 2 बीघा में साठ ठाड़ो उनको होगो का? अब तुमने साठ ठाड़ा कराया तो मैं क्या करूं, तुम जानो और तुम जानो। पूरनदान भाई प्रधान जी मुंह पे का बीच रहे हो भाई, बोतल लगाने। हां एक बात सोचने वाली है, वहां कार पैसे वाले लोग हैं दुबई में, सोना चांदी घरों में सोना तो ऐसे पड़ा रहता है जैसे हमारे घर में हम खाना नसीब होता है ना, मैं टाइम से उस तरीके से उनके यहाँ सोना पड़ा रहता है। अरे तुम्हारी बात तो ठीक है। अब एक बात ये बताओ, दुबई में हम लोग जाके घूमना मुश्किल है हमारा, तो ये मतलब सपना उपना तो नहीं देगा, कोई तबीयत वबीयत खराब तो नहीं, गर्म तो पड़ रहा है? अरे जाने मुझे बताया कि आगे ऊँट हो गए बीमार, अब यहाँ से साड़ भेजे जा रहे हैं, मैंने 25 लाख रुपए के साड़ खरीद लिए। बीमार? हाँ। पैसे की कमी है जो सही ना हो पाएंगे, हमारे यहाँ जैसे इंसानों का इलाज होता है ना वैसे में जानवरों का इलाज होता है, कुत्ते तो एसी में रहते हैं। पूरन दान भाई जय का सब ऊँट खत्म है गए। ऊँट? मुझे तो ये आज पहली बार पता चला कि दुबई में ऊँट चलते हैं, मैंने तो दुबई के बारे में आज तक कोई नाम ही नहीं सुना। अब सौड़ों को अपने ऊपर चढ़ा लो, अरे प्रधान जी ने खरीदा उन पर चढ़ा लो। पूरन पूरन दान तूने प्रधान जी एक बार आओ, तुम मोबाइल खींच रहे हो, बातें कछु कह रहे हो ना? अरे बात से क्या कहूं, तू नहीं तो बताया मुझे। क्या बताया मुझे? थोड़ा बताई पैसे में तुम्हें बताई तो मुझे बताई तो अब क्या हुआ? अब एक काम करो, एक काम करो पेट में बिकवा। पेट में? अबे बेवकूफ, 25 लाख के साड़ पेट में कितने के बिकेंगे? अबे हमारे यहाँ साड़ कौन खरीदेगा, किस काम का है साड़? किस काम का है? अच्छा एक बात, आपका खुलेगी योजना? ये खुलेगी? कौन सी योजना, कैसी योजना, मेरे से दिमाग से बाहर है ये कहानी। एक महीना बाद, दो महीना बाद। एक मिनट ये बताओ कि तुम तो इसका बिजनेस कर रही थी, साड़ बिजनेस का? मुझसे आज तक घर का काम तो होता नहीं है ढंग से, तो मैं भला बिजनेस क्या करूंगी? तू तो कह रहा है और तो और प्रधान जी नोट गिन रही है। नोट गिनना तो बहुत है, मेरे पे अगर नोट ही होते तो मैं तुम्हारे टैक्स के पीछे बीमार हो जा रही हूँ। दुबई का तो नाम ही पहली बार सुना है मैंने। टैक्स गया भाड़ में, मेरे 20-25 लाख रुपए इसने खर्च करवा दिए, ये कैसे वापस होंगे? अब ये तो जी आने और आप जाने प्रधान जी। पूरन भैया जी आप जा सकते हैं, मैं नहीं जानती, मैंने तो दुबई दुबई अब तो मैं सोच सोच के मतलब सपनों में जाऊंगी दुबई घूमने, आज पहली बार दुबई का नाम सुना। प्रधान जी और कोई उपाय देखते हैं, चलो। अरे और कोई उपाय बाद में देखेंगे, मैं तेरा गला दबा दूंगा, वो मार में से तुम्हारे साड़ बिक जाएंगे। देखो अब ये लड़ना झगड़ना करना बाहर, मुझे थोड़ा आराम करना है। कोई और कोई उपाय देखते हैं, चलो। जाओ जाओ जाओ। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते, जाओ। लूट खत्म हुई। अब प्रधान जी आओ। ए प्रधान जी के बच्चे, राधा प्रधान जी आओ। अरे वो मैं ये कह रही थी कि आपका टैक्स कैसे? अरे टैक्स गया फाड़ में, इसने मुझे कंगाल बना दिया। नहीं पूछ रही थी कितना दे रहा है टैक्स में। अरे टैक्स बाद में दे रही है, पहले साड़न को हिले लगा दो। अरे मुझे ये पागल हो गया है क्या? एक बात बता रहा था, क्या यहाँ से बाजार खरीद के दुबई भेजे जा रहे हैं? नहीं तो कौन ने कहा दिया तुमसे? ये
देखिए ये पूरन ने मुझे बताया ये मुझे कि वहाँ पे ऊंट बीमार हो गए हैं, यहाँ से बाजार खरीद के वहाँ भेजे जा रहे हैं एक एक लाख के। इतने बड़े शहर में देख देख मैंने कितने बाजार खरीद डाले सारे। हाँ ये तो है। अब इनका क्या होगा? तुमने ही तो कही मुझसे। मैंने कब बोली है? पागल है तुम? तुमने कही और माने कही दोनों झूठ बोल रही है। इसे तुम ले जाओ ये, वरना ये सच बता रही हूँ तुम्हारा सत्यानाश करके छोड़ेगा। अरे सत्यानाश करके छोड़ेगा नहीं, सत्यानाश कर डाला। अरे जो राया साहब वो भी कर देगा, इसलिए कह रही हूँ। अब उनको होगा 20-30 लाख के सामने उनका। उनका एक काम कर, समुद्र के किनारे और छोड़ दो उन्हें, सब दुबई पहुँच जाएंगे। राधा और क्या, तू 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 जले पे नमक छिड़क रही है। अरे जले पे नमक मैं कहाँ छिड़क रही हूँ, ये पागल आदमी है। मैं तुम नहीं तो कहीं मुझे नई योजना आई है जे भैया, दिमाग हर बात में मुझे बता दे। वो हमने कब बोली तुझसे, कोई संबंध है तेरे पास? तुम कह रही वो है गट्टनिया उसके सामने बोल के दिखाई हो तू। वैसे तो बहुत छोटी सी है बात, लंबी लंबी करेगी। अच्छा नहीं, हम तो उससे मिलकर आ रहे हैं अभी। उसने बोला कई बार जब तो मैंने इन्हें बताई, उसने बोला था कि हाँ हमने मतलब कुछ पूछा तुमने उससे। अब तो झूठ बोल रही है वो। अच्छा तू मुझे नहीं बोल रही, सच बोल रही है। अच्छा राधा तू बता मुझे, क्या ऐसा कोई बिजनेस है जो यहाँ से बाजार खरीद के दुबई भेजे जा रहे हो? नहीं यहाँ से ऐसा कोई बिजनेस तो नहीं। फिर तूने कैसे बताया? जब प्रधान जी नहीं ना कहीं मुझे एक बात बताओ प्रधान जी, दुबई का क्या समझ रहे हो? कितना बड़ा शहर है, पैसे की कमी है वहाँ? हाँ ये तो है। सोना तो वहाँ ऐसे पड़े रहता है जैसे उसको कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तो है क्या? नहीं तो तुम्हारे बाजारों का क्या करेंगे वो? अरे इसने बताया कि वहाँ ऊँट बीमार हो गए, यहाँ से बाजार भेजे जा रहे हैं। तो इलाज नहीं होते ऊँट अगर बीमार हो गए तो? लेकिन मैंने 20-25 लाख के बाजार खरीद लिए, उसका क्या करूँ? पागल ने कह दिया तुमने खरीद लिए। वाह अब एक बार बताओ, अब एक महीना बाद दो महीना बाद कब तो जाएंगे ना? कभी ना जा रहे। चलो नहीं कभी ना जा रहे, कभी ना जा पाएंगे। और कोई उपाय देखेंगे आप? पूरन लाल अरे अब की बार कोई उपाय ना मिला। अब एक बताओ, जब तुम्हें फायदा दिख रहा हो जब तो तुम मेरे पीछे डोल ले, अब नुकसान है रहे हो तो मैं क्या करूँ जा मैं? अरे तो मुझे क्या पता, तू मेरी बतिया बैठा देगो। मैं तो अच्छे खासा दूध भी करो अपना, तुम ही कह रहे ये योजना आई है, ये योजना आई है। अरे मैंने तो टैक्स वाली योजना बताई थी और तूने ये बिजनेस वाली योजना बताई। अब देख रहे हैं आगे, चलो कोई उपाय देखेंगे। देख चल तो रहे, ये आखिरी उपाय है, अगर ये उपाय सिद्ध ना हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अच्छा हाँ, मतलब मेरी जान लेने से दुबई पहुंच जाएंगे वो तो बाद में देखूंगा। और भी बात देखेंगे आप। हाँ ले लो।